हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे Redmi 5A डिवाइस में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। ये वाला जो वीडियो था ये मैंने पहले ही बना दिया है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, यार ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की हो सकती है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यार पूरा वॉच कर लेना, तभी आपको सारी प्रोसेस जानने में समझने में आएगा। क्योंकि भाई TWRP रिकवरी से होता क्या है, हम अपनी कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया था 10.2.3.0 वो मैंने TWRP थ्रू के ही द्वारा इंस्टॉल किया था, ठीक है। TWRP से ही इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर लो, बूट लोडर अनलॉक कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना है। तो आप बिना वक्त पाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो मैं अपना फाइल खोल लेता हूँ। मैं आपको सिंपली ये 4 चीज़ दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, ये 2 चीज़ आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं ADB इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये जैसे ऑन होगा तो इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछ जाएगा यस और नो का। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यस कर देना, आपको वाई दबा के, फिर यहाँ पर आपको वाई दबा देना है, फिर आपको फिर दोबारा वाई दबा देना, और ये जो आपका ऑल डन हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ से देख नेक्स्ट कर देना है, फिर फिनिश, ठीक है। ये होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप फिनिश कर दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देख सकते हो ऑल डन हो चुका है। अब इसके बाद अब देख सकते हो क्वालकॉम ड्राइवर्स आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा जब भी आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह ये इंस्टॉल होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कोई कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है सिंपली। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रिपेयर पर कर देना है, मॉडिफाई पर नहीं करना है, ठीक है, रिपेयर कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ उसके बाद तो नेक्स्ट कर दिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल पे जैसे क्लिक किया तो भाई इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा आपको, ठीक है। अगर एरर आता है तो प्लीज़ ये डाटा कनेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिनिश हो चुका है, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई आपको एक बार जो आपका डिवाइस है उसको रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो भाई मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ से जाकर इसको रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि भाई मेरे में पहले से बोलता है इस वजह से। तो अब आपको करना क्या है सिंपली, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से मैं आपको ये जो TWRP है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने PC में, ठीक है, जहाँ पर आपके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चले जाओगे, आपको C फोल्डर में चले जाना है, आपको यहाँ पर ADB फोल्डर दिखाई देगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पर TWRP पहले से था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको TWRP रिकवरी पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद इसका आपको रीनेम कर देना है, यहाँ पर आपको TWRP लिख देना है, ठीक है, सिंपल एंटर दबा देना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर सर्च बार में CMD लिखना है, ठीक है। CMD आने के बाद तो आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, वॉल्यूम डाउन क्लिक करके, और अपने फ़ोन को USB से कनेक्ट कर देना। जैसे कनेक्ट करोगे आपका जो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फास्टफूड डिवाइसेज। फास्टफूड डिवाइसेज कनेक्ट लिखने से आपका क्या होगा, जो भी आपका फ़ोन है वो दिखा दे देगा कि आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोन कनेक्ट है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर फास्टफूड फ्लैश recovery.img, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है recovery.twrp.img, ठीक है। यहाँ पर आपको TWRP लिख लेना है, उसके बाद .img लिख देना है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो ये जो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो मैं अब PC का काम खत्म, अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे फ़ोन है, आपको करना क्या है, पावर वॉल्यूम अप और पावर की दबाना है। उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा और आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली TWRP रिकवरी में बूट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो मैं पावर अप वाला और पावर की दबा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम अप और पावर की दबाना है, ठीक है। सॉरी तो भाई मैं बोल देता कुछ उल्टा सीधा स्किल, सॉरी। आप देख सकते हो जो हमारा फ़ोन है ये MI लोगो पे आ चुका है, हमारे फ़ोन में कोई ब्रिक नहीं होगा। आप देख सकते हो भाई जो हमारा फ़ोन है सक्सेसफुली आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो TWRP की रिकवरी में बूट हो चुका है। तो अब जो है मैं भैया आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारा फ़ोन है सक्सेसफुली रिकवरी में बूट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स होती है, वाइब्रेशन, बैटरेस, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया। अब मैं आपको दिखा दूँ भाई, देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब करना क्या है, अगर आप कुछ करना चाहते हो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको वो बताया था। ठीक है, यहाँ से कोई भी इंस्टॉल करना है तो आपको ये चीज़ दूंगा मैं, इसको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई ये अगर आपके फ़ोन अगर रिबूट नहीं होता है, ठीक है, एमआई लोगों पे अटक जाता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, उससे आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। वैसे अटकने वाला तो नहीं है, बट अटक जाए तो आपको कर लेना, सिंपली आपको फिर रिबूट करना है, डोंट इंस्टॉल पे कर देना, क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपका फ़ोन रिबूट होगा, आपका फ़ोन जो सक्सेसफुली फिर जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, टिडोरा पे रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इसको रख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो भाई मैं अपना जो भी पीसी है भैया, इसको थोड़ा सा सेटअप कर लूँ जब तक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो मेरा फ़ोन है सक्सेसफुली भैया सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई यहाँ पर। ठीक है, हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है चलने में। ठीक है, तो ये कुछ दिखा रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हो भाई, ये जो फ़ोन है सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, जिनको भी टिडोरा रिकवरी इंस्टॉल करना है। तो भाई यार, इस वीडियो में इतना ही, ऐसा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।